मोहब्बत की नगरी आगरा में अभिनेत्री पायल रोहतकी और संग्राम सिंह एक दूसरे के हुए। जी हाँ, पायल रोहतकी अपने बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध गईं। दोनों ने 12 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। शादी करने से पहले दोनों ने आगरा के 800 साल पुराने राजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया। दोनों जैसे ही राजेश्वर मंदिर पहुंचे तो संग्राम और पायल रोहतकी को देखने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए, लेकिन अपनों के प्यार और प्रशासन की ओर से किए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शांतिपूर्वक उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और परिवार वालों के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाईं। इस दौरान सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी दोनों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। हाँ वही कर रहा हूँ, ले भी नहीं रहा हूँ। वेरी गुड। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पायल अपने बॉयफ्रेंड संग्राम सिंह के साथ आगरा होटल जेपी पैलेस पहुंची, जहां दोनों ने मेहंदी की रस्में अदा कीं। पायल ने अपने इस खास लम्हे को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आगरा के जेपी होटल में 8 जुलाई को रिंग सेरेमनी हुई। सुबह हल्दी और दोपहर में संगीत की रस्म होने के बाद शाम करीब 5:30 बजे सफ़ेद शेरवानी पहने संग्राम सिंह घोड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को बिहाने पहुंचे। आगरा के मशहूर सुधीर बैंड की छेड़ी गई धुनों और पंजाबी और हिंदी फिल्मों के गीतों पर बारातियों ने जमकर डांस किया। इसके बाद होटल परिसर में वरमाला, फेरे और शादी की अन्य रस्में हुईं। शादी के इस खास मौके पर दोनों ही परिवारों के सिर्फ खास मेहमान ही शादी के दौरान मौजूद रहे। लाल रंग के लहंगे में पायल बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। पायल और संग्राम की ये फोटो कुछ ही समय में खूब वायरल हो रही है। शादी के बंधन में बंधने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस इस कपल को ढेर सारी विश दे रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए आगरा से बृजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।